वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं एक्चुअली 158 और मैं निकल चुका हूँ मेरी इवनिंग शिफ्ट के लिए। हुआ यू मॉर्निंग में उठा, आज तो लिटरली अच्छी नींद आई, देन मैं सो गया था। उठा 8 बजे अराउंड, हाँ 8:30 तक। उसके बाद फिर मेरी फैटबैक थी, उसका रिपेयरिंग करना था। एक्चुअली मैं सोचा मेंटेनेंस कर लेते, लेकिन मेंटेनेंस करने गया तो मेंटेनेंस करने की तरफ मैं देखा कि एक बेरिंग टूटी हुई है। सो उसकी फ़ोटो ले लिया है, तो सोचा खरीद लूँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो अगर रात में चालूंगी तो ठीक, नहीं तो फिर आते वक्त कल ले लेंगे, जाते वक्त तो मॉर्निंग मिल लेंगे। दैन फिर एक एडमिट कार्ड आया दीदी का कि मुंबई जाना है, तो उसमें हर बड़ी में फिर मैंने कैंसिल कर दिया ट्रिप। मुझे नहीं जाना था, शेविंग वगैरह करके थोड़ा ट्रिमिंग ग्रूमिंग ट्रिमिंग बस निकल चुके हैं। एक्चुअली सोचा कि ऐसा था कुछ, सो निकलते हैं। मौसम आज का काफ़ी सुहाना है, एक्चुअली बारिश नहीं है और हवा चल रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है। प्लस आज गवर्नमेंट हॉलीडे दे दिया गया था स्कूल्स को, मीन्स इमरजेंसी हॉलीडे ड्यू टू रेन। ये हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था सारे ब्रिजेस पे, दैन फिर बच्चे आ नहीं पाते थे, सारे गांव में पानी भरा हुआ है, इसके चलते काफ़ी डेथ भी हुई है, लोग फ्लो करके बह भी गए हैं। क्या कर सकते हैं, अब नेचुरल डेथ है, नेचुरल डिज़ास्टर। तो दे दी गवर्नमेंट ने छुट्टी, मीन्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दिया है। तो ये सीन था, मैं सोचा था जाता था चले जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली ट्रेन वगैरह का इशू था। दैन फिर मैं बोला हॉस्पिटल में कॉल किया, हॉस्पिटल में छुट्टी भी मिल जाती थी, लेकिन मैंने सर को कॉल नहीं किया था, सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर का सबसे बात कर लो। मैंने कहा ओके ठीक है देखते हैं। दैन फिर लॉन्ग ड्रॉप, दीदी अकेले गई है, लेट्स गो। बस बस स्टैंड पहुँचा, 5-10 मिनट वेट किया, दैन मिल गई बस, चलते हैं सीधा चंद्रपुर। निकल चुका हूँ इवनिंग की शिफ्ट निपटा के, एक्चुअली एज यूजुअल पेशेंट ही तो डिस्चार्ज थे, देन थोड़ा बहुत काम था। एक्चुअली आज ओटी क्लीनिंग थी, तो बस सामान शिफ्ट करके मावशी को दे दिया काम, मावशी कर ली उसे क्लीन, देन फिर अपना नेक्स्ट काम था कि हमारा डिलीवर आएगा वही करेगा नेक्स्ट काम, तो उनके लिए छोड़ दिए वो काम, है ना, उनके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है काम छोड़ना, वो सब छोड़ के और फिर बस ओपीडी बैठा था। दैन ओपीडी में एक दो पेशेंट लिए हार्डली, बस फिर बैठा था ब्लॉग एडिट कर रहा था। एक्चुअली एडिट तो कर दिया है, लेकिन वॉइस ओवर करना बाकी है, वो भी कर लेता हूँ पटाख से और फिर अपलोड कर देंगे कल। फिर आएगा न्यू सीरीज जुर्ना की, जुर्ना सीरीज बस निकली कि नहीं एक्चुअली देखना पड़ेगा बस आज। लेकिन काफ़ी मज़ा आया हॉस्पिटल में, डिस्कशन किए मैं और एक सर हैं जो मीडिया असिस्ट के हैं योजना वाले, काफ़ी मज़ा आया, मतलब चर्चा किए, ये गहन चर्चा जिंदगी का, गहन चर्चा, अरे गहन चर्चा छोड़ो, बस खड़ी है वहाँ, अच्छा है बस खड़ी है बस। फिर निकलने के पहले मैं निकलता, अरे 2 बस है कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, अरे 3 बस है कोई ना, चलने को जुड़ना ये महत्व की गोष्ट है, खड़ी तो है। ये कहरी की है, निकले कौन से पहले, बस निकलना चाहिए जल्दी। सो समय के पहले निकलने का फायदा रहा कि बस मिल चुकी है, बस कितने रहे हैं 8:46, अच्छा बस मिल गई, चलते हैं फटाफट। फाइनली पहुंच चुका हूं बल्ला शाह, चलते हैं घर, करते हैं स्नान और करेंगे पेड़ पूजा। हाँ तो बता ये रहा था कि हाँ वो अपना, मतलब वो 40 ईयर के हैं सर और मैं हूँ 20 ईयर्स का,
तो वो मुझे बता रहे थे ये डिफरेंस बिटवीन, और मुझे एक्सप्लेन करते हैं हाँ ये करना चाहिए। क्योंकि मैंने उन्हें क्वेश्चन पूछा व्हाट आफ्टर बीएससी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एमएससी वगैरह, तो उन्होंने कहा बताया जिंदगी का सार बता रहे थे, संसार का सार बता रहे थे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है। मुझे थोड़ा कैलकुलेशन बताया गया कि हाँ सरकार देती तो पैसा है पर लेती भी है टैक्सेस, ऐसे थोड़ा टैक्सेस के बारे में फंडा समझाए, 80-20 के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या था ये सब पता चला, ऐसे डिस्कशन कर ही रहे थे क्योंकि ओपीडी में पेशेंट कम थे, तो मैंने चलो बैठा जाए क्योंकि एक्चुअली मैं जेरॉक्स निकालने गया था उनके रूम में, मतलब उनका भी ऑफिस है तो वो ऑफिस में गया था अंदर, वहाँ निकाला जेरॉक्स, मतलब बंच के जेरॉक्स निकालने पड़ते हैं ना पेशेंट्स के जो भी रहते हैं इंश्योरेंस वाले पेशेंट रहते हैं ना, तो ये सीन करता हूँ मैं कि मैं ऑफिस वर्क भी कर लेता हूँ कभी भी थोड़ा बहुत। बस फिर पेशेंट आया था बल्ला था, बस चलते हैं फिर घर।